हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे कॉमेडी कर रही थी मेरी, देखिए। तो ये मेरा ब्लॉग तो कल जाएगा न्यू ईयर के दिन, जो हमारा नव वर्ष के दिन। पहले आप सबको हैप्पी नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सबको। आपके घर में अगले साल, मतलब आप जो भी उम्मीद करते हैं, सब कुछ आपको भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मिल जाए। मैं भगवान जी से इतना प्रेयर कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, उनको दुआ मांग रही हूँ। आप सब खुश रहे, मस्त रहे। पिछले साल जो भी जिसके साथ गिला सिपा हुए, अगले साल में आप वही गिला सिपा मत रखिएगा। तो बने रहिए वीडियो पर। ये तो आज 31 मिनट एक दिन के बाद जाता है, इसलिए मैं पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023, हैप्पी न्यू ईयर 2023 2023। तो आप सब बहुत ही खुशी होंगे, आनंद में हो, आपका नव वर्ष भी बहुत ही अच्छे से जाए। तो हम, ये तो मेरा कल जाएगा, कल क्या करेंगे देखते हैं। कल मैं आपको कल वाला ब्लॉग, परसों अपलोड होगा, तो मेरा आपको पता चलेगा मेरा न्यू ईयर के दिन में क्या क्या करें हम, मेरा नहीं हम सब। तो बने रहिए वीडियो पर। पहले आज कपड़े को बहुत ही दे दी हूँ, आज पिछले साल के कपड़े सब साफ सुथरा, अगले साल के कुछ नहीं रखेंगे, नहीं तो हम आलस करेंगे, क्या क्या करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। तो ये कपड़े का तो आज धोना ही पड़ा, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े पड़ा हुआ था, और मतलब ये हमारा क्या बोले 2022 का लास्ट कपड़े धोना। ऐसे तो सब दिन धोते हैं, कोई न्यू ईयर या ओल्ड ईयर कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो काम करना ही होगा। लेकिन मन में एक खुशी भी आता है, चलो न्यू ईयर आ रहा है, एक साल बीत गया है, ऐसे समझ के समझते हैं। तो कपड़े को मैं नहा लिया था, पूजा वगैरह कर लिया, उसके बाद ये कपड़े को मैं धो दी हूँ। जितने जल्दी नहा धोकर पूजा करो उतना जल्दी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं जो मशीन में वॉश हो रहा था, मशीन में डाल देती हूँ, उसको वॉश हो रहा था तब तक मेरा नहाना धोना कर पूजा वगैरह सब खत्म कर देती। वैसे मैं वॉशिंग मशीन पर डालकर नहीं धोती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए पानी टब में या जो बकेट में डालकर ही, भर कर ही, अच्छी तरह से हिला हिला कर ही मैं धो लेती हूँ, इसमें अच्छा लगता है, मुझे लगता है क्लीन हो जाएगा, क्लीन हो रहा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता है। झाग वगैरह सब रह जाता ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए ये सारे मैं मतलब धोकर ही चेयर पे रख दी, उसके बाद मैं स्पिन लगा दी हूँ। और उसके बाद देखिए, कप मैं सब्जी को पहले कट करूँगी, आगे मुझे बहुत ही काम करना है, इसीलिए हस्बैंड भी है ना, इसलिए मैं सब्जी वगैरह कट करके रख दूँगी, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। ये मैं स्प्रिंग ऑनियन को कट कर रही थी, और ब्रोकली को भी कट कर रही थी, और बेटी ये जो वो खा रही थी, मतलब जो हमारा ब्रेड को सेक लिया था, टोस्ट बना ली थी और खा रही थी, तो मुझे भी दी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं खा ली। और सब्जी को भी कटिंग कर रही थी, सब्जी बनाने के लिए जो जो मैं सब्जी बनाने के सब कुछ कट करके रख दी थी। उसके बाद मैं कपड़े को सुखाने के लिए, स्पिन तो हो गया था उसी बीच, और हम नाश्ता वगैरह भी कर लिए थे उसी बीच, कपड़े को मैं छत के ऊपर ले गई, इसके ऊपर लेकर ही उसको सुखा दी हूँ। उसके बाद और भी बहुत कुछ काम है, आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा मुझे क्या क्या काम करना मैं करी। हस्बैंड रहते हैं ना, हस्बैंड है ना, इसीलिए मुझे बहुत सारे काम भी करना है। तो ये देखिए, धूल हुआ था तो मैं जो रस्सी था, रस्सी को पोंछ रही थी, ऐसा मेरा काम होता है। जो हस्बैंड आए तो मतलब इतना आज काम, इतना काम, इतना काम हुआ कि मैं 1:30 बजे जाकर ही मैं फ्री हुई, 1 बजे जाकर फ्री, 1:30 बजे नहीं, 1 बजे जाकर फ्री हुई, थोड़ा रेस्ट करी, उसके बाद खाना वगैरह हम खाए। तो ये कपड़े को तो सुखा दी हूँ, उसके बाद क्या करी ना,
आज बेटी हेल्प करी, देख लीजिए। और बेटी किचन में है, किचन में हमारा दाल चढ़ा रही थी। उसके बाद मैं क्या करी ना, आज बड़ी बसाने हम बनाने वाले थे, उड़द दाल की बड़ी, उड़द दाल और जो कखारू कहते हैं, वाइट गार्ड शायद हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, तो जो वाइट कद्दू उसी में से हम बनाने वाले। तो ये जो बांस की टोकरी है उसके ऊपर दूंगी, इसीलिए उसको मैं वॉश कर रही थी। वॉश करके उसके बाद क्या करूँगी आपको पता चलेगा, आगे तो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या किस लिए मैं उसको वॉश कर रही थी। और ये ना हमारा ये आम गच है, आम गच की टहनी को कट कर रहे थे। ये जो टाइल्स का जो घर है उसके ऊपर गिरता है तो टाइल टूटता है ना, इसीलिए तो उसको एकदम से कटिंग करना होगा, काल होगा। उसके बाद ये है देखिए, हम जो बोरी बनाने वाले हैं उड़द दाल से, ये है जो व्हाइट गार्ड का, उसको मैं ग्राइंडिंग करके उसको पानी में छोड़ दी थी। और ये उड़द दाल का पेस्ट हुआ था, उसको घुमा घुमा कर हल्का करेंगे। उसके ऊपर जो हमारा रोस्टेड जीरा और मिर्ची पाउडर, नमक और तिल, वो सब वगैरह देकर उसको हम हिला हिला कर उसको हल्का करें। उसके बाद ये जो टोकरी है, टोकरी के ऊपर तेल दे दी हूँ। तेल देने के बाद उसके ऊपर मैं कैसे बड़ी बना रही हूँ देख लीजिए। ये हमारा उड़िया में कहते हैं कखारू बड़ी, हमारा इधर जो केंद्र में बहुत प्रसिद्ध बड़ी है, बहुत मतलब बहुत मिलता है इधर, तो उसको इसको कहते हैं कखारू बड़ी। तो ये मैं आज ही हस्बैंड है ना, इसीलिए कर रही थी। देखिए कैसे मैं बना रही थी, कैसे बैठा रही थी। आप पानी हाथ होकर ही मैं और जो छोटा छोटा बड़ी बना रही थी। तो हम इस सीजन में मतलब अब ठंडाई के टाइम बहुत बनाते हैं, तो ऐसे देखिए बना दी हूँ। पांच टोकरी में ही बना दी हूँ। वो टोकरी तो कट हो गया था, जो हमारा जो क्या बोलते चूहा कट कर दिए थे। इधर बेटी बना रही थी, तो बेटी भी बना दी थी आज सब्जी वगैरह सब बनाई बेटी ही। चावल तो बना दी थी, दाल बनाई थी, और क्या क्या बनाई है मैं आगे बताती हूँ। जो हमारा ब्रोकली और आलू की सब्जी बनाई, और देखिए मैं डांस कर रही थी, और उसकी मोबाइल में गाना बज रहा था ना, वो डांस। हंस रही थी। और ये देखिए ब्रोकली और आलू की सब्जी, और स्प्रिंग ऑनियन आलू की सब्जी, और मेथी आलू की सब्जी, वो सब बना था। और इधर कुछ बर्तन वगैरह सिंक में था, उसको मैं सफाई वॉश कर रही थी, मांज रही थी। और ये देखिए हमारा आलू और मेथी की सब्जी, ये भी बेटी बनाई थी। और जो हम बड़ी बनाने के लिए जिस डिश में था, जो हमारा थाल और जो बकेट और एक डी जो तसला कहते हैं उसके ऊपर था, तो ये इसको मैं पानी डाल के भिगो दी थी। तो उसको अच्छी तरह से मैं जो हमारा नल के पास जो हैंडपम्प के पास लेकर ही उसको मैं धो दी थी, मांज के ही साफ कर दी थी और पानी करी थी। और उसके बाद तो हमें खाना खाकर सो गई। उसके बाद ये शाम को बेटी बोली, आज तो 31 बोल रही थी कुछ बना दो, तो ये मैं ब्रेड चॉप बनाई देख लीजिए। और ब्रेड चॉप तो बेटी भी मेरे पास है, ब्रेड चॉप बना कर रखे। और रात में हमारा मतलब डिनर क्या टाइम भी दरकार, तो ये ब्रेड चॉप बहुत इजी है, चटपट बना और खा लो। और ये मैं बनाई थी आज हमारा मेथी की पराठा, आज डिनर में था मेथी की पराठा और जो चटनी के साथ मेथी की पराठा। ये मेथी को मैं डाल दी, मेथी प्याज और धनिया पत्ता और अजवाइन के साथ उसको, और थोड़ा तेल नमक मिर्ची पाउडर जीरा पाउडर हल्दी और सब कर उसको एक डो बना दी। और देखिए बड़ा बड़ा लोई निकाल कर मैं उसको बेलन से बेल दी, और ये मेरा बन गया पराठा। तो चलिए आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। बाय बाय।